हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अभी सैटरडे मॉर्निंग सुबह के 7 बज रहे हैं। यहाँ मंडे मेमोरियल डे है, जिसकी वजह से मंडे को सबको छुट्टी है। मेमोरियल डे शहीद हुए जवानों की याद में मनाया जाता है। हमने सोचा था लॉन्ग वीकेंड है तो कहीं आउटिंग के लिए चले जाएंगे, पर हमारी प्रिंसेस जोशनिका की तबीयत ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना, आदमी लाख चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। गरम पानी बोतल में भरने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ अदरक और शहद का रस। इसके लिए मैं सबसे पहले अदरक को कस लूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका रस निकाल दूँगी। बाद में इसमें शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। सर्दी खांसी में मैं जोशनिका को ज़रूर ये देती हूँ, इससे गले का दर्द भी ठीक होता है और बहती नाक भी बंद हो जाती है। अब जोशनिका उठ गई है, उसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आज मैं उसे नाश्ते में ब्रेड जैम और दूध ही दे रही हूँ। अभी फिर से बुखार आ गया है। कल रात को दवाई पीने के बाद थोड़ा ठीक हो गया था, फिर से बुखार आ गया। कोई बात नहीं बच्चा, दवाई पी के फिर ठीक हो जाएगा। मैं जब करती हूँ अभी वो दर्द नहीं हो अभी रहा कम हो गया है दर्द? ओके, गले में दर्द कम हो गया अभी? है। कोई बात नहीं, अभी 2-3 बार दवाई पियोगे ना, ठीक हो जाओगे एकदम। और ये देखिए, ये जोशनी के टॉयज हैं। ये दुकान हमारे यहाँ हमेशा फैली रहती है ऐसे ही, क्योंकि जोशनिका को बहुत पसंद है टॉयज से खेलना। और ये मेरा प्ले डो है, ये इसका प्ले डो है। और ये ये मैंने इरेजर्स जो मुझे मिलता है ना, ये मैंने बनाए पॉट्स, इसके अंदर डालती हूँ मैं। इसने क्ले से पॉट्स बनाए हैं, और जो स्कूल में जो भी इरेजर मिलते हैं इनको, कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट होने पर इरेजर ऐसे मैम देती है उनको एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो वो यहाँ पे इसमें रख देती है। कब से बोल रही दवाई पी ले और थोड़ा लेट जा तो आराम मिलेगा। तो उसने सबसे पहले अपने टॉयज़ को, क्या ये टॉयज़ का रूम बनाया है, सबको सेट किया पहले अपने टॉयज़ को, और ये फिर अपने बड़ी मुश्किल से बोलने के बाद लेटी हुई है। बच्चों के साथ यही मुश्किल है, आराम नहीं करते तो ठीक कैसे होंगे। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से लेटी हुई है, अब मैंने बोला लेट के टीवी देख ले थोड़ा टाइम। ये देखो फेवरेट लगा दिया उसने अपना। आज ठंड है तो मैं अभी ब्लाइंड्स खोल रही हूँ। मैंने बोला जोशनिका की तबीयत ठीक नहीं है तो ये बाद में ही खोलूँगी। चलो आपको बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ। आज फोरकास्ट में बारिश बता रहा था पूरे दिन। हाँ, बारिश तो हुई है, आज पूरा दिन ऐसे ही रहने वाला है, जिससे ठंड बढ़ गई है। यहाँ यही मुसीबत है, कल परसों इतनी धूप थी और आज फिर बारिश हो गई, बारिश हो गई है। बच्चों के बीमार होने का कारण यही है, एक दिन बारिश होती है, दूसरे दिन धूप हो जाती है, चेंजेस होते रहते हैं जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं जल्दी। और उनके कपड़े पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, मौसम के हिसाब से उनको कपड़े पहनाने पड़ते हैं। अरे जोशनिका, आप उठ गए बच्चे? आपको मैंने लेटने के लिए, आराम करने के लिए बोला था थोड़ा टाइम। खेल रहे हो, लेटना नहीं है आपको? नहीं लेटना है? अच्छा, बाद में लेटोगे, ठीक है। ये देखो, मेरा टीला ये मैंने बनाया। ये देखो, वेट, मम्मा कितना टाइम है? इट्स 11:30। ये देखो, राइट है ना, तो कमेंट्स में बोलना। राइट। दिस इज सो हार्ड बट यू कैन डू इट, आई मीन। आज जोशिका के कथक क्लास के लिए जाना था हमें, पर हमारी प्रिंसेस बीमार है तो हम नहीं जा पाए। कथक क्लास? हाँ। और मैं इंडिया में कथक क्लासेस जाती थी। हाँ, इंडिया में आप कथक क्लास जाते थे, यहाँ आने के बाद आपका छूट गया क्लास, तो हमने सोचा कि फिर से इसको कथक क्लास में डाल देते हैं। वैसे भी हमारी जोशिका को डांस करना बहुत पसंद है।
अभी तक हमारे पास कार नहीं थी तो हमने इसको कोई भी क्लास नहीं डाली थी, अब जब कार आ गई है तो हम सोच रहे हैं कि इसकी कथक क्लास डांस में डाल दें इसको। हाँ। अभी दिन के 1 बजे हैं और देखिए बारिश हो रही है अभी यहाँ पे, आज पूरा दिन ऐसे ही रहेगा, पूरे दिन बारिश है तो कहीं जाना मुश्किल ही है। जोशनिका को तो बहुत जुकाम हुआ है और जुकाम के लिए सबसे अच्छा खाना है खिचड़ी विद चीज़ और लेकिन जोशनिका को खिचड़ी पसंद नहीं है, पर आज मम्मा उसे खिचड़ी खिलाएगी और हम सब खिचड़ी खाएंगे आज। मसाला खिचड़ी के लिए मैंने तैयारी कर ली है, मूंग की दाल और राइस, चावल मैंने मिला के रखे हैं, मैं धो के अभी साइड में रख दूँगी, और ये हैं मिक्स वेजीज, मिक्स सब्जियाँ, टमाटर काट लिया है, प्याज काट लिया है, धनिया, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा बीटरूट। सबसे पहले मैं कुकर में तेल डाल दूंगी थोड़ा सा, तेल के बाद इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा, जीरा ब्राउन होने पर मैं इसमें प्याज डालूंगी, प्याज के साथ मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता, और साथ ही 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें मैं डाल दूंगी अपने रेगुलर मसाले, हल्दी, लाल मिर्च कमी डालूंगी और धनिया पाउडर, नमक, और इसके साथ ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डालूंगी। जुकाम में ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। जब सब्जियां मसालों के साथ पक जाएगी तो मैं उसमें डालूंगी दाल और चावल, क्योंकि हमें गीली खिचड़ी पसंद है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है खूब सारा पानी, और सबसे लास्ट में इसमें डाल दूंगी धनिया। 2 सीटी में देखिए आपकी खिचड़ी बन गई और कितनी यम्मी लग रही है। खा लो बच्चा, खिचड़ी खा लो बच्चा। चीज डालो। चीज चाहिए? नहीं बच्चा, अभी जुकाम में चीज नहीं खाते। जुकाम? हाँ, सर्दी में। अच्छा थोड़ा सा ना, अभी मम्मा ने देखो चीज डाल दिया है, मुंह में पानी। हाँ तो खाओ जल्दी जल्दी, भूख भी लगी होगी आपको। ये हम दोनों की प्लेट है, अभी मैं खिचड़ी के साथ रख देती हूँ आम का अचार। वैसे तो घर में दही भी है पर हम दोनों अभी अवॉइड कर रहे दही खाना क्योंकि मौसम अचानक बहुत ठंडा हो गया है। मैंने जोशनिका को दवाई पिलाकर सुला दिया है, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं उसके लिए मालिश के लिए तेल बना देती हूँ। इसके लिए मैंने सरसों के तेल के साथ अजवाइन, मेथी, लहसुन अच्छे से गर्म कर लिया है। ये सब जब तेल में अच्छे से पक जाए तो इसे मैं छानकर एक जार में स्टोर कर लूँगी और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लूँगी। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है, सर्दी खांसी के लिए ये मेरा रामबाण घरेलू उपाय है। आज डिनर में जोशनिका और उसके पापा की फेवरेट सब्जी बनने वाली है भिंडी आलू, तो मैंने भिंडी धो के रख दिए हैं, अभी मैंने पोंछ के सुखा देती हूँ। मुझे अभी तक इनमें कीड़े दिखाई नहीं दिए हैं तो मैं क्या करती हूँ ऐसे बंच में ही काट लेती हूँ, पर ध्यान रखती हूँ कि कोई कीड़ा तो नहीं है। जीरा ब्राउन होने पर सबसे पहले मैं इसमें आलू डाल दूँगी, अभी मैं पहले मसाले डाल दूंगी अपने रेगुलर मसाले, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, मसालों को अच्छे से मिक्स 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 कर दूंगी। अब इसमें हम डालेंगे भिंडी, इसके बाद भिंडी में डाल दूंगी नींबू, नींबू का रस, या आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, इससे भिंडी चिपचिप नहीं होती है।
जब तक भिंडी की सब्जी बन रही है तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ। ये देखिए आटा हो गया रेडी, अभी गर्मा गर्म फुलके बना देते हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनका खाना कम हो जाता है, तो हम माओं की यही कोशिश रहती है कि हम उनके पसंद का और हेल्दी खाना दें ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। अभी मैं जोशनिका के लिए हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। जुकाम में ये सबसे अच्छा घरेलू उपाय है, इससे सर्दी जुकाम जल्दी ठीक हो जाती है। जोशनिका नहीं पीती हैं, उसे ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। आप चाहिए तो इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं, जोशनिका शक्कर वाला दूध नहीं पीती है इसलिए मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली है। और आप देखेंगे तो मैंने हल्दी भी कम डाली है क्योंकि बड़ी मुश्किल से दूध पीती है, और आधा ग्लास दूध ही बनाया है। और इसे मैं 2-3 बार छान लूँगी कि जिससे इसमें जो हल्दी के छोटे छोटे दाने हैं वो निकल जाएं। यू हैव टू फिनिश ऑल हाँ क्या हूँ अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो बच्चा पीना तो पड़ेगा। हाँ मंडे तक मैं हल्दी आना है। हाँ कोई बात नहीं, आने दो, ठीक हो जाओगे इससे। मैंने जोशनिका के पूरे शरीर में अच्छे से मालिश कर दी है। अब मैं चेस्ट और पैर में विक्स लगाकर सॉक्स बना रही हूँ ताकि गर्माहट बनी रहे। अभी जोशनिका को मैंने मालिश करके चेंज करा दिया है, नाइट ड्रेस बना दिया है और जोशनिका ने दवाई भी पी ली है। ठीक है, अभी जोशनिका सो जाएगी और कल सुबह होपफुली वो ठीक हो जाएगी। ओके इसी के साथ मैं ये व्लॉग का अंत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और जोशनिका जल्दी से ठीक हो जाएगी तो हम इससे अच्छे और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बाय।